ये वीडियो बनाने और सारे डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए आप एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि मैं और मेहनत करूं। उसके बाद आप मिस ब्रांडेड ड्रग्स इसकी भी जानकारी हासिल कर लेंगे। मिस ब्रांडेड ड्रग्स में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ABC में यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद एडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या हैं उनके रिलेटेड भी सारी जानकारी आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेंगे, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स से जुड़े जो भी पॉइंट्स हैं जैसे ABCDE ये सारी जानकारी आप हासिल कर लेंगे। उसके बाद लोन लाइसेंस क्या है कई बार पूछा गया है, तो लोन लाइसेंस के बारे में भी आप जानकारी कर लेंगे। कंडीशन क्या है लोन लाइसेंस इशू करने का उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे और एक बार रिवाइज़ कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ना छूटे। और इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं इसके उसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेंगे। जैसे 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं और एक 4 पॉइंट्स जो भी हैं आप एक बार उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लेंगे कि लोन लाइसेंस के अंतर्गत क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे ये लोन लाइसेंस जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस है मतलब लाइसेंस मैन्युफैक्चर को भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या क्या कंडीशन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर इसे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जो कि एक मैन्युफैक्चर को लाइसेंस लेते समय ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद उसी का ये कंटिन्यू पॉइंट है कि लाइसेंस से जुड़े जो 4 और 5 पॉइंट्स इसे आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए, जैसे कि उसमें टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी में टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी, टेस्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एबनॉर्मल टॉक्सिटी, टेस्ट ऑफ पैरोजेंस, टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन स्ट्रेंथ, इक्वलिटी प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस तरह से आप इस वीडियो के अंत तक जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एक बार कॉपी में लिख लें या इसका जो भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और रिवाइज़ करें, आपके जो रेस्पिडेंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बशर्ते आप हर पॉइंट्स को एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार ज़रूर लिख लें। लिखने से क्या होगा आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा और फेल होने का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा।